देखिए प्यारे बच्चों, आज फ्राइडे है और आज एक दो पीटी भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले प्रेयर कर लेते हैं। जो स्कूल का विधान है, हर विद्यालय में होता है, इस प्रार्थना होती है सबसे पहले, तब हम अपनी विद्या आरंभ करते हैं। तो पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो दैनिक होती है उसको संपन्न करेंगे, फिर पीटी होगी। ठीक है, एक साथ पैरों की तेज आवाज, तेज आवाज आनी चाहिए बच्चों। स्टैंड, आप बोलेंगे नहीं, केवल पैर चलाएंगे। ठीक है, अटेंशन, चलिए प्रेपोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 ओवर, बी 10, थ्री 4, बी 9, एन 4, बीपी सेट, वही लाइक, फोर रेस, एन 4, एल लविंग, हियर, हेल्प अस, सूडू, नथिंग, वी शर्ट, टू वी, टू अदर, काइंड एंड गुड, इन ऑल, वी डू, इन ऑल, वी से, टू ग्रो, फॉर लविंग, एवरी डे। राष्ट्रगान एक लय में, एक साथ तेज आवाज में और पूरा बोलेंगे। स्टार्ट, 1 2 3 जने गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल भंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, चल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तव शिष्य मागे गाहे, तव जय गा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। प्लेज पोजिशन स्टार्ट। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडिया आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, रिच एंड हाई हाइटेज, आई सेल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्थी ऑफ इट, आई सेल गिव माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल लैंडर्स रिस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विथ कर्सी टू माई कंट्री एंड माई पीपल, आई प्लेड माई डिवोशन इन देयर वेलबी एंड प्रॉस्पेरिटी एलोन लाइज माई हैप्पीनेस। चलिए आप सभी नॉमिनेटेड बच्चे आ जाएं जो कल नॉमिनेट किए गए थे। देखिए प्यारे बच्चों, कितना अच्छा यहाँ पर होता है आप लोग के विद्यालय में इस मंच के माध्यम से, कि प्रतिदिन ये नॉमिनेटेड बच्चे कुछ ना कुछ सुनाते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। क्योंकि अब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें जीएस नहीं आता, जीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर रोज़ के आप 5% याद कर लेंगे जो यहाँ बोले जाते हैं वही, तो आपकी जीके काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए आपके स्कूल में कार्यक्रम चलता रहता है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुना करें और एक डायरी बना लें, मैंने पहले ही बताया था, उसमें नोट करते रहें, जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी। आसानी से अगर कहीं कोई क्वेश्चन भूल रहे हैं तो दोबारा उसमें देख के आप रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। चलो बेटे आगे बढ़ जाओ थोड़े। अब बोलो। मायने में सबको प्रॉम्प्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह? रॉन्ग। शुक्र। शुक्र तो बताया था बच्चों ने, बताया, जोर से बताया करो आप लोग। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य? है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक वन वाला राज्य? सर्वाधिक वन वाला राज्य किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर फोर, भारत का सबसे पुराना पर्वत? राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, एवरेस्ट की मुख्य ऊंचाई? राइट। हिंदी न्यूज, आतंकी हमले को दांस झेल चुकी कचहरी को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। सुंदर। माय नेम इज कमल, क्लास फोर, परीक्षा में सफलता की कमी। माय नेम इज चंदन, क्लास फोर, डायमंड कट डाइम। हाँ ये देखिए प्यारे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे सुनेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस विद्यालय की ओर से, इस मंच की ओर से आप सभी प्यारे बच्चों को, आपकी फैमिली सहित इस पावन पर्व, आज धनतेरस है, कल नरक चतुर्दशी है जिसे हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं, छोटी दिवाली के नाम से, कुछ लोग उसको बड़ी दिवाली भी कहते हैं, परसों दिवाली है, फिर गोवर्धन पूजा है, फिर भैया दूज है, 14 नवंबर है, कितने त्यौहार आपको लगातार मनाने को मिलेंगे। तो इन पावन जो पर्व हैं, ढेर सारे त्यौहार हैं, उन सभी ढेर सारे त्यौहारों के इस मंच के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। देखिए प्यारे बच्चों, जब त्यौहार आता है तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ उमंग, उथल पुथल ऑटोमेटिकली होने लगती है सभी के, बच्चों के से बेहतर, बच्चों के तो विशेष रूप से ये त्यौहार ऐसा है, बच्चे सुनोगे कि खिलौने खाने को मिलेंगे, खीले खाने को मिलेंगी और पटाखे छोड़ने को मिलेंगे, करना भी चाहिए, अगर त्यौहार पर आपने मौज मस्ती नहीं की तो फिर कब करोगे, है ना। बाकी दिन तो आप लगातार पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई को दरकिनार नहीं करते हैं, साइड में पढ़ाई भी करते रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल मौज मस्ती में मशगूल हो जाएं, साइड में पढ़ाई भी करिए और त्यौहार भी मनाइए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई में ही लगे रहें, त्यौहार को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं, त्यौहार भी मनाइए, साल भर में त्यौहार आता है, कभी कभी त्यौहार आते हैं, खुशियाँ कभी कभी आती हैं, तो त्यौहार भी मनाइए लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल छोड़िए मत, उसको भी साइड में करते रहिए। इसी के साथ साथ अब आपको आज देखिए, आज हो गया फ्राइडे, यानी कि आज है धनतेरस, तो आज तो आपका हाफ डे वैसे ही होता है फ्राइडे को, और आज त्यौहार है, वैसे भी हाफ डे हो जाता है, अगर नहीं होता त्यौहार के दिन तब भी हम फ्राइडे नहीं होता तब भी हाफ डे कर देते आज, तो आज के बाद कल यानी कि छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, परसों दिवाली यानी कि संडे को, फिर मंडे को गोवर्धन पूजा, फिर ट्यूजडे को है 14 नवंबर, है ना, और वैसे भी कोई किसी वजह से, कोई नक्षत्र की वजह से, पर वैसे भैया तो मंगल की होनी चाहिए लेकिन बुधवार की हो रही है इस बार, तो कल शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भैया दूज, यानी कि आज के बाद 5 दिन आपको मिल रहे हैं, इन 5 दिन का आपका बच्चों अवकाश रहेगा, इस त्यौहार के उपलक्ष्य में आपकी छुट्टियाँ रहेंगी, फिर आपको इससे अगले दिन यानी कि गुरुवार को अर्थात उस दिन पड़ रही है 15 तारीख को यथासमय विद्यालय आपको अपने बैग लेकर पढ़ाई करने के लिए आना है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कल शनिवार, परसों रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि इन 5 दिनों में आपकी छुट्टियां रहेंगी, ये 5 दिन आपको घर पर रह के खूब एंजॉय करना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। और देखो प्यारे बच्चे, एक और हम आपको थोड़ी सूचना हिदायत दे दें, कोई बच्चे पटाखे भी छोड़ेंगे दिवाली पे, छोड़िए, कोई बुराई नहीं है, सब छोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बुराई भी मानी जाती है क्योंकि इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है। मैं समझता हूँ कि पटाखे का जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो व्यर्थ में जाता है, किसी काम नहीं आता, और ऊपर से प्रकृति को नुकसान होता है वो अलग, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मुद्रा प्रदूषण, है ना, पैसा भी जाता है तो एक तरह से हवा में उड़ जाता है वो, छोड़ने मना नहीं कर रहे हैं आप छोड़िए, लेकिन सीमित दायरे में, और सावधानी बरतनी बरती है, कुछ बच्चे हाथ में ही छोड़ देते छोटे बच्चे, मतलब अपना
एक तरह से वीरता दिखाने के लिए कह सकते हैं, या वो सोचते हैं कि मैं शक्तिमान हो गया, हाथ में बम छोड़ दूंगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, पटाखा बहुत समझदारी से अपने बड़ों को साथ में लेकर, और उस दिन जब आप पटाखे छोड़ें तो अपने कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा ढीले ढाले इधर उधर ना, कुछ लड़कियां इस तरह से पहन लेती हैं बड़ा झूलम झाल, तो ये सब ध्यान रखेंगे। पटाखे छोड़ते समय आपको थोड़े टाइट कपड़े पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले नहीं, समझ रहे हैं ना, और सूती कपड़े पहनने चाहिए। जो टेरिकॉट के कपड़े होते हैं लाइलन वगैरह के, वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए बच्चों बहुत सावधानी बरतिएगा। पटाखे छोड़ते समय अपने घर के आसपास, अपने घर में आंगन में कहीं पानी की भरी बाल्टी जरूर रख लीजिएगा, या रेता उतार रख लीजिएगा। ऐसा बताते हैं, देखो जहाँ पटाखे की दुकानें हैं, आप खरीदने जाओगे तो आप देखोगे वहाँ एक बाल्टी रेत की रखी होगी, एक पानी की रखी होगी, वो सब सुविधाएँ रखी होंगी, जिससे बाई चांस कोई अगर दुर्घटना होती है तो उस पर जल्दी से काबू किया जा सके। समझ गए प्यारे बच्चों? और देखो, आपको सूचना मिली गई है कि आपके 20 तारीख से एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं कि आप त्यौहार में मशगूल रहे, अपने पेपर का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब छुट्टियों के बाद तुरंत 4-5 दिन में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके, उन पेपरों की भी आपको तैयारी करनी है, सारे विषय आपको पढ़ने हैं, सवाल करने हैं, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जितने सब्जेक्ट हैं सब थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, तो अपनी पढ़ाई को विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ त्यौहारों पर देखो, भैया दूज है, दिवाली है, इन पर मिठाइयाँ बहुत बढ़ती हैं, मिठाइयाँ बहुत घरों में भी आती हैं। अब जो दुकानदार लोग होते हैं कन्फेक्शनर्स, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब एक दिन में तो इतनी बना नहीं लेंगे, कितनी एक दिन में इतनी बना ले कि बहुत इतनी बिक्री होती है कि एक दिन में भरपाई कर पाएँ, तो काफ़ी दिनों से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, 8-10 दिन पहले से मिठाइयाँ बन रही होंगी और वो स्टोर कर रख रहे होंगे। किसी के यहाँ तो फ्रीजर की सुविधा होती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें रख देते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ हलवाई बेचारे उनके पास ये सुविधाएँ कम हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही रख लेते होंगे बना बना के, तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ कमी आ जाए, तो इनका भी ध्यान रखेंगे। खाएंगे लेकिन हिसाब से खाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आपका पेपर है और आप कहीं दूसरा पेपर देने जा रहे हैं बार बार, है ना, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये सारी बातें मुझे बतानी थी, और पेपर के बाद फिर आपका टाइम चेंज कर देंगे विद्यालय का, अभी 8:30 का है, जब एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम तो 9 बजे से ही आपका, फिर वही आगे भी जब पढ़ने आओ तो 9 बजे से ही आओगे जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे आपके, सही है ना। वैसे तो सोच रहे थे कि अभी चेंज कर दें, लेकिन बीच में 2-3 दिन की बात है, फिर 9 बजे से पेपर ही आपका, इस वजह से पेपर के बाद ही आपका समय जो है परिवर्तन किया जाएगा। तो इसी के साथ एक बार फिर से सारे त्योहारों की ढेर सारी फिर से एक बार शुभकामनाएं आप लोग के लिए, ढेर सारी बधाइयाँ। अब देखिए सर आपको कुछ बताएंगे, सारे लोग ध्यान से सर की बातें समझेंगे सुनेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए अभी हमारे विद्यालय के जो एक्सपर्ट सर थे इंग्लिश के, श्री महेंद्र कुमार राजपूत जी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे पटाखे छोड़ते समय जो है बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि पटाखे बहुत नुकसान कर देते हैं, और ख़ासकर कभी कभी आँखों के पास से निकल जाएं या आँखों में लग जाएं तो रोशनी जाने का डर रहता है। तो सर ने आपके लिए जो जो बताया उसके लिए उसका पालन करेंगे, और कहीं पर भी आपका नुकसान ना हो पाए इसलिए सर ने आपके लिए बताया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और बहुत गौर से सुनेंगे। देखो बच्चों, ये इस समय छुट्टियाँ पड़ रही हैं, अब 5 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो 5 दिन में इन छुट्टियों का मतलब क्या है? छुट्टियों का मतलब ये है कि हमें आगे बढ़ना है। छुट्टियों में आपके लिए भरपूर टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा, और ख़ास तौर से जो कमज़ोर बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, वीक बच्चों के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। जो कमज़ोर बच्चे हैं अगर वो घर पे स्टडी करेंगे, और देखिए ज़्यादातर बच्चे जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, साधारण किस्म के बच्चे होते हैं जिनके लिए आगे तक नहीं जाना होता है, वो क्या होते हैं, छुट्टियों में मौज मस्ती में मशगूल होते हैं, मौज मस्ती में बिजी हो जाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है कमज़ोर बच्चा उठाता है। कमज़ोर बच्चा जो है घर पर स्टडी करता है, मेहनत करता है, और जब वो पढ़ने आता है तो तेज़ बच्चे से आगे निकल जाता है। हमेशा छुट्टियों का फ़ायदा जिसने उठाना सीख लिया वो बच्चा आगे निकल गया, ये मैं आपके लिए राज बता रहा हूँ। और जिसने छुट्टियों का फ़ायदा नहीं उठाया वो बच्चा तेज तो रहेगा,
ऑर्डिनरी रहेगा लेकिन सुपर इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, एक्सेलेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए छुट्टियों का फ़ायदा उठाएंगे, ये जो 5 दिन का छुट्टी पड़ रही है इसमें खूब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप देखें बच्चों, दिवाली आज धनतेरस है और कल जो है दिवाली है, बड़ी दिवाली कहते हैं, इसके बाद में छोटी दिवाली है, फिर इसके बाद मंडे को गोवर्धन पूजा है, अब मंडे के बाद में ट्यूसडे को कुछ नहीं है, चिल्ड्रंस डे है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है सारे बच्चों का और भी बहुत सारा होता है चिल्ड्रंस डे के लिए, हर साल बच्चे कुछ ना कुछ टीचर्स के हाथों से सम्मानित होते हैं, कुछ खाना पीना होता है, लेकिन उस दिन जो है छुट्टी है। हालांकि सभी स्टाफ आएगा, आपका जो पेपर का काम है वो सब निपटाया जाएगा और बच्चों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद में बच्चों जो है फिर क्या है, भैया दूज है, तो कई त्यौहार हैं दिवाली से रिलेटेड, तो सभी त्योहारों की, दिवाली की, बड़ी दिवाली की, छोटी दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की, आप सभी बच्चों के लिए, समस्त स्टाफ के लिए और जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी के लिए हैप्पी दिवाली, ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आप देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा, ये जो दिवाली का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, बात ये दिवाली पे हम क्या मांगते हैं। आपने देखा होगा दिवाली पे जो है घरों की सफाई होती है, जहाँ जहाँ कूड़ा होता है, जहाँ जहाँ भी गंदगी होती है वो सब सफाई की जाती है, उनसे पूछो कि ये सफाई क्यों कर रहे हैं, तो यही कहेंगे अरे उस दिन ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता आती हैं, लक्ष्मी माता आती हैं रात में और जिसके घर पे ज़्यादा सफाई होती है ऐसा माना जाता है, जिसके घर पे ज़्यादा सफाई होती है, जिसका घर ज़्यादा लाइट से चमचमा रहा होता है उसके घर पे जो है लक्ष्मी माता जो है एक साल के लिए, कुछ लोग ये कहते हैं 5 साल के लिए, कुछ लोग कहते हैं कई पुट्ठों के लिए विराजमान हो जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है ऐसा लोग कहते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये बात सही है बच्चों? आप देखिए, अगर रोशनी से, रोशनी करने से और घर की सफाई करने से ही अगर सब कुछ हो जाए, ऐसा होता है, सफाई करना चाहिए, घर की भी सफाई करना चाहिए और घर को जगमगाना भी चाहिए, क्योंकि जब भगवान श्री राम आए थे बुराई पर अच्छाई की जीत करके, रावण को मार करके, तो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी, अपने घरों के लिए सजाया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है घर की सफाई की थी और लक्ष्मी माता जो है खुश हो गई थी भगवान श्री राम से। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी अपने घर के लिए जो भी सफाई से रखेगा मैं उसके घर में जाके विराजमान हो जाऊंगी, प्रवेश कर लूंगी और उसके घर पे धन धान खुशियाँ आएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, तरुण आएंगे, तरुण बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तरुण आएंगे, इनसे ये पूछेंगे कि लक्ष्मी माता के लिए, लक्ष्मी माता हमारे घर पे आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और एक गर्ल स्टूडेंट के लिए भी बुलाते हैं, खुशी आ जाएं, खुशी चंदपुर काजियान। तो देखिए खुशी अंसारी जो है ये बताएंगी, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना कि लक्ष्मी माता जो है कब कब हमारे साथ रहती हैं, कब कब हमारे घर पे विराजमान रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हमने पूछा है, आप सभी से पूछा है, देखिए तरुण जो है जवाब देंगे, इसके बाद में जो है खुशी जवाब देंगी, फिर से आप हमारे क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें जिससे लक्ष्मी माता हमारे साथ रहे, तो सबसे पहले तरुण बताएंगे 2-3 बातें जिससे लक्ष्मी जी का हमारे घर में हमारे साथ निवास हो जाए, हमारे साथ रहने लगे, हमारे घर पर रहने लगे और हमारे लिए धन धान से खुशियों से भरपूर कर दे। तो ठीक है तरुण बाबा, 2 या 3 बातें जितनी भी हैं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, आ रहा बिल्कुल पास होगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा कहने का मतलब यही है कि लक्ष्मी माता जो है डेली आपको उनके आज तक पूजा करनी होती है, डेली पूजा करो नहा धो के। और सफाई की बात रही, वह सफाई तो सब करते हैं घरों में,
सबसे कोई पुण्य होता है ऐसे कहते हैं। यही कहना चाहूंगा कि डेली सुबह होकर भगवान का आस्था करो बस। आप खुशी बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बच्चे बोल रहे हैं ये सिर्फ आरपी पब्लिक स्कूल की देन है, इस स्टेज की देन है। ये आप स्टेज देखिए, कई इसमें 2-3 लाख रुपए मेरे लगे थे तब ये स्टेज बनी थी। और ये स्टेज मैंने क्यों बनवाई, इतने में तो 1-2 कमरे बन जाते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए इसलिए बनवाई ताकि जो बच्चा इस विद्यालय में पढ़े तो उसे बोलना आ जाए, वो एक अच्छा स्पीकर बन जाए। आप देखो ज़्यादातर जगह ये ऐसा नहीं होता है स्टेज, और इसलिए बच्चों से बुलवाया जाता है ताकि बच्चा बोलना सीख जाए। भाई स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था जो बोलेगा वो बढ़ेगा, जो बोलेगा वो बढ़ेगा। और विलियम शेक्सपियर ने तो ये तक कह दिया था कि क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाई, माने जो बोलते नहीं है वो तरक्की बहुत कम है। इसी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस अपने विद्यालय में इस स्टेज का निर्माण कराया ताकि बच्चों के लिए जो है बोलना आ जाए, और बिना हिजक बिना हेजिटेशन बिना साइनस के बोलना आ जाए। तो देखिए वही क्वेश्चन जो है हम खुशी से पूछेंगे कि क्या करें जिससे लक्ष्मी माता का वास हो जाए हमारे घर में और हमारे साथ लक्ष्मी माता रहने लगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज खुशी, आई रीड इन क्लास 10। तो मैं ये बताऊंगी कि लक्ष्मी माता का निवास हो जाए जिस घर में, सफाई रहे या फिर पूजा हो, ऐसा ही नहीं है। अगर हमारा दिल भी सच्चा है, अगर हम सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, चोर डकैती ना करते हैं, अगर हमारा दिल पवित्र है, उस घर में भी लक्ष्मी माता का निवास होगा। ऐसा नहीं है लोग दिखावा करें कि सिर्फ पूजा करके या फिर दिखावा करते हैं कि हम मानते हैं उनको, ऐसा नहीं है। जो दिल का साफ होता है उसके घर में भी लक्ष्मी माता का निवास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखे खुशी अंसारी ने बताया, अब आप मेरे द्वारा सुनना, और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको अजमा के देखना, ये छोटे बच्चे और बड़े बच्चे। अभी असद तुम्हें हम बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे। सबसे पहले देखिए हुआ क्या था, एक बार सभी देवता लोगों की मीटिंग हुई, सभी देवताओं ने कहा कि ऐसा करें लक्ष्मी माता के पास चलते हैं और आज लक्ष्मी माता से ये पूछेंगे, हे लक्ष्मी माता हम आपका आह्वान करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया आप बताइए कि आप जो हैं किनके साथ रहती हैं, किन किन घरों में रहती हैं, किन किन लोगों के साथ रहती हैं। तो आप देखना लक्ष्मी माता ने देवताओं के कहने से ये जवाब दिया कि मैं उस घर में कभी नहीं रहती, मैं उस घर में कभी नहीं रहती जिस घर में गंदगी होती है। फिर देवताओं ने कहा, हे लक्ष्मी माता हम आपका आह्वान करते हैं, कृपया आप बताइए आप किसके साथ रहती हैं, आप तो लक्ष्मी धन की देवी हैं। उन्होंने कहा मैं उस शख्स उस बच्चे के साथ उस व्यक्ति के साथ उस मेल और फीमेल के साथ कभी नहीं रहती जिसके दांत गंदे होते हैं और जिसके मुंह से बदबू आती है। आप नोट करते रहना अपने अड़ोस पड़ोस सब जगह या अपने घर में आप देखना कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके मुंह से बदबू आती हो, जिसके दांत गंदे हों, वो देखना वो व्यक्ति जो है कभी, मैं समझता हूँ शायद मेरा मानना है कि वो धन धान से भाई रोटी तो खा ही लेंगे लेकिन मैं समझता हूँ फ्लोरिस नहीं होगा, फल फूलता नहीं होगा, उसके घर पे जो है खुशहाली बड़ी मात्रा में नहीं होगी। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने दांतों की तरफ ध्यान रखना और बिल्कुल भी दांत गंदे नहीं होना चाहिए, अगर दांत गंदे हैं तो मुँह से बदबू अवश्य आएगी। फिर उन्होंने देवता लोगों ने फिर कहा कि हे लक्ष्मी माता हम आपका आह्वान करते हैं, कृपया आप बताइए आप किनके साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस घर में कभी नहीं रहना चाहती जिस घर के परिवार के मेंबर खाना खाते समय माने झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं और खाने को फेंकते हैं, सामान को फेंकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में क्या होता है, रोटी जल जाती है तो रोटी उन्होंने फाड़ी और फेंक दी, ये अच्छी रोटी नहीं है, तो इससे अन्न का अपमान होता है। या फिर लक्ष्मी माता ने कहा कि हम उस जगह बिल्कुल रहना नहीं चाहते जहाँ पर भी सामान को फेंका जाता है,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना बैग फेंक देते हैं, कुछ बच्चे अपनी कॉपी फेंक देते हैं, कुछ बच्चे अपनी पेंसिल ऐसे ही फेंक देते हैं। आप देखना वो बच्चे, मैं समझता हूँ कि लक्ष्मी से दूर रहते हैं। इसी तरीके से लक्ष्मी माता से फिर देवताओं ने पूछा, कृपया आप आगे बताइए किसका आप साथ देंगे। उन्होंने कहा, हम उस बच्चे का साथ देते हैं जो बड़ों का सम्मान करते हैं, जो बड़ों का सम्मान करते हैं मैं उसके साथ रहती हूँ। फिर देवताओं ने कहा कि हे लक्ष्मी माता, हम आपका और आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं, कृपया आप हमें और आगे बताइए आप किस किस का साथ देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस घर में कभी नहीं रहती, उस घर में कभी नहीं रहती, उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं देती, उस बच्चे का साथ मैं कभी नहीं देती जो सूरज उगने के बाद उठता है। आप याद रखना, जो जो बच्चे सूरज निकलने के बाद उठते हैं वो पढ़ने में कमजोर होंगे, उनके शरीर पे रौनक नहीं होगी, शरीर से वो कमजोर होंगे। जिस जिस परिवार के लोग, जिन जिन परिवार के लोग सूरज उगने के बाद उठते हैं उनके घर पे देखना गरीबी होगी। आप सब बातें नोट करते रहना और अपने गली मोहल्ले आसपास अपने रिश्तेदारों में मेरी बात का आप प्रैक्टिकल करके देखना कि सर ने जो जो बातें बताई हैं क्या वो हकीकत हैं। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं उस व्यक्ति के घर में कभी नहीं आती, उस व्यक्ति के साथ मैं कभी नहीं रहना चाहती जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद अपनी चारपाई से उठता है। उसके पास ना तो मैं रहती हूँ ना ही विद्या की देवी रहती है। और आप देख लेना बच्चों, तो कभी भी हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, भले आप पढ़ें, स्टडी करें या वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। फिर इसके बाद में फिर देवता लोगों ने कहा कि हे लक्ष्मी माता, हम आपका जो है स्तुति करते हैं, आप बताइए और किसके साथ रहना चाहती हैं। तो फिर लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहती जो दूसरों का नुकसान करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं। आप देख लेना, जो लोग दूसरों का नुकसान करते हैं और नुकसान करके हंसेंगे, इसके बाद में जो है फिर वो ये कहेंगे हमारे यहाँ लक्ष्मी माता आ जाए। मैं समझता हूँ कि जो पुराणों में लिखा हुआ है उनके घर पे लक्ष्मी माता कभी नहीं आती। और ये तक लिखा है, कबीर दाजी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, कबीर दाजी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि लोका लोका क्या फिरे तके बिराने घात, लोका लोका क्या फिरे तके बिराने घात, और मैं तो तेरे साथ हूँ बंधु लिए तराजू बाढ़। माने तू लोका लोका फिर रहा है, दूसरों के लिए घात करना चाहता है, दूसरों का नुकसान करना चाहता है, लेकिन तेरा जजमेंट करने वाला मैं हूँ। ये कबीर दास जी का डायलॉग है। तो एक सेंटेंस और भी है कि औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। एक इसी के आगे एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देख लो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो, और जिन लोगों ने दगा किए हैं उनके जाके घर तो देखो। और बच्चों, ये दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए कुछ बातें समझा रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन में उतार सकें। पढ़ाई तो आप बहुत ही करते हैं और इस विद्यालय के बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी माता ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए खुशियाँ देता है, जो व्यक्ति दूसरों की आंखों के आंसू पोंछता है, जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, जो व्यक्ति मेरी संतान की हेल्प करता है, भाई हम सब किसकी संतान है, ईश्वर की, लक्ष्मी माता की संतान है, जो व्यक्ति मेरी संतान की मदद करता है उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ, उसके साथ कोई भी दुख दर्द, उसके साथ कहीं भी पॉवर्टी गरीबी आ नहीं सकती। एक लाइन है कि गमों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, किसी के गम में थोड़ा सा शरीक होके देखो। अगर किसी को गम होता है तो दूसरा व्यक्ति हंसता है कि अरे इसका नुकसान हो गया, हंसना नहीं चाहिए, उसके गम में हमें परेशान होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसका गम दूर हो जाए। तो लाइन है कि गमों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, अब बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, कांटा किसी के पाँव से निकाल कर तो देखो। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अब ये छुट्टियाँ पड़ी हैं,
छुट्टियां पड़ी हैं, आप में से कोई भी बच्चा, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो दिवाली मनाएंगे, भैया दूज मनाएंगे और पढ़ने चले आएंगे। लेकिन आप में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस दिवाली पे गमगीन हो जाएगा, जो दिवाली पे कसम खाएगा। हमारे लिए किसी ना किसी त्योहार पे कोई ना कोई कसम अवश्य लेना चाहिए। जैसे मान लिया एक ही कसम ले ली कि मैं तब तक पटाखे नहीं छोड़ूंगा, तब तक दिवाली नहीं मनाऊंगा जब तक मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन जाऊंगा। किसी बच्चे ने ये कसम ले ली कि मैं तब तक पटाखे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं डीएम नहीं बन जाऊंगा। फिर जब जब दिवाली आएगी वो कसम तुम्हारे लिए अंदर से कचोटेगी, अरे तुझे तो आज पटाखे छोड़ना चाहिए था। फिर वो अंदर से कहेगा अरे मैं अभी जिला अधिकारी नहीं बन पाया। प्रत्येक त्योहार पर किसी ना किसी बच्चे के लिए कसम अवश्य खाना चाहिए। अगर आप कसम खाते हैं, कोई ना कोई संकल्प लेते हैं, रेजुलेशन लेते हैं, तो जब जब वो त्योहार आएगा तब तब आपको वो संकल्प आपका याद आ जाएगा और वो संकल्प आपसे कहेगा कि तू जल्दी से बन, तेरे लिए भी ये त्योहार मनाना है। तो इसलिए बच्चों दिवाली पे कोई ना कोई संकल्प लेना, यही संकल्प ले लेना कि हमारे लिए बड़ा आदमी बनना है, अपने मम्मी पापा की सेवा करना है, इस देश का भला करना है। चलिए तो एक बार फिर से सभी बच्चों के लिए, समस्त स्टाफ के लिए, फूल खिलता है गुले गुलजार बनकर और दिवाली मुबारक हो आप सभी को फूलों का हार बनकर। बस कीप क्वाइट, अब एक मिनट मेरी बात और सुनेंगे, फिर अपने अपने क्लास में प्रस्थान करेंगे। बस मुंह बंद करेंगे, पहले सारे बच्चे शांत हो जाएं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें अभी आपको सुनने को मिली सर के माध्यम से, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत प्रेरणा और सीख देने वाली। ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं प्यारे बच्चों, हमें इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तभी हमारा जीवन जो है बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ऐसी बातें देखो घर में तो सुनने को मिलती नहीं है, घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, स्कूल में आना पड़ेगा, कहीं और अच्छी जगह जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं आपके लिए। और वो भी हर जगह नहीं, विद्यालय में हर जगह नहीं मिलती हैं, क्योंकि सभी को पता नहीं है ना, तो बताएंगे कहाँ से, बताएगा तो वही जिसको पता है कि नहीं। तो हर जगह मिलती भी नहीं है, बहुत सारे स्कूल होंगे जो कल से ही बंद हो गए, कल ही खोल के आज ही छुट्टी कर दी होगी, भाई धनतेरस की छुट्टी आज खोले भी होंगे तो वही दैनिक प्रक्रिया करके छुट्टी कर देंगे पड़ा उड़ा के। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करने के लिए, आपके अंदर हवा भरने के लिए, कहने का मतलब आपको उत्साहित करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम ये सब कार्यक्रम आपको साथ बीच में चलाते रहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का जो मनोबल है कम ना हो पाए, किसी तरह से टूट ना पाए और आप निरंतर अग्रसर हों, तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहें। ऐसे हमेशा हमारा प्रयास, हमारी कामना आपके प्रति रहती है। मीनाक्षी नो क्लैपिंग। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो सारे बच्चों को एक बार फिर से इन पवित्र त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ। आप देखिए आज के बाद 4-5 दिन आप घर रहेंगे और इन 4-5 दिन में खूब मेहनत से आपको पढ़ाई भी करनी है, त्यौहार ही मनाना है। तो सारे बच्चे आप बोल रहे हैं, आप ऊपर आ जाइए। सारे बच्चे आज अपने टीचर्स की सारी बातों को ध्यान से क्लास में समझेंगे, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सभी बच्चों को जितने दिन की छुट्टी है उतनी ही सारी निकल, सारे सब्जेक्ट की करके देखनी है, राइटिंग सुधारनी है। यहीं समझ लो बाई चांस हम अगर क्लास में कहना भूल जाएं, सारे बच्चों को बता रहा हूँ मैं, यहीं सब टीचर की तरफ से सारे बच्चों को 5 छुट्टी दे, 5 राइटिंग हर सब्जेक्ट की, 5-5 राइटिंग करनी है। और क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके होने वाले हैं तो सारे विषय में आपको याद भी करना है, अगर कहीं ना कहीं वर्क अनकम्प्लीट है तो वो भी कम्प्लीट करना है, समझ गए। ये सारा अगर काम कर लाए तब आप हो सकता है इसमें बच जाओ, वरना आप बचोगे नहीं, समझ गए प्यारे बच्चों।
इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम ही संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत।